हेलो दोस्तों, प्रभाज किचन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लेके आई हूँ बेसन कोकोनट लड्डू। ये लड्डू बहुत अच्छा होता है और बनाने में भी बहुत आसान है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें घी बहुत जरा सा लगा है, क्योंकि बेसन का लड्डू बनाने में घी बहुत ज्यादा लगता है। तो चलिए आज हम इंजॉय करते हैं बेसन कोकोनट लड्डू के साथ। लेकिन ये लड्डू बनाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि इस लड्डू में मैंने मिल्क मेड यूज किया है। अगर आप मिल्क मेड की जगह 2 चम्मच दूध यूज करेंगे तो ये लड्डू और भी अच्छा बनेगा। तो चलें हम इंजॉय करते हैं बेसन कोकोनट लड्डू के साथ। बेसन कोकोनट लड्डू बनाने के लिए देखिए हमको क्या क्या चाहिए। ये हमने 200 ग्राम बेसन ले लिया है और 200 ग्राम ही हमने ये गरी का बुरादा लिया हुआ है। और ये हमने 100 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है और ये हमने 2 चम्मच मिल्क मेड ले लिया है। ये बड़ा 1 चम्मच देसी घी है और ये 1 चम्मच इलायची पाउडर है और ये 2 चम्मच गुड़ा शक्कर है। तो चलिए आज हम बनाते हैं बेसन कोकोनट लड्डू। हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन की रेसिपी जानने के लिए प्रभास किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। बेसन कोकोनट लड्डू बनाने के लिए देखिए हमको क्या क्या चाहिए। ये हमने 200 ग्राम बेसन ले लिया है और 200 ग्राम ही हमने ये गरी का बुरादा लिया हुआ है। और ये हमने 100 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है और ये हमने 2 चम्मच मिल्क मेड ले लिया है। ये बड़ा 1 चम्मच देसी घी है और ये 1 चम्मच इलायची पाउडर है और ये 2 चम्मच गुड़ा शक्कर है। तो चलिए आज हम बनाते हैं बेसन कोकोनट लड्डू। हम अपनी गैस जलाएंगे और इसके ऊपर ये कढ़ाई रख देंगे और इसमें ये जो हमने घी लिया है इसको इसमें डाल देंगे। ये घी हमारा हल्का सा गरम हो गया है, इसको हमें बहुत ज्यादा नहीं गरम करना है। अब हम एक छन्नी लेंगे और इसमें अपना बेसन जो है थोड़ा थोड़ा करके छान देंगे। बेसन हमने अच्छे से छान लिया, अब इसको हम अलग कर देते हैं और अब इसको हम चलाते हुए भूनेंगे। बहुत तेज आंच पे नहीं भूनना है इसको, हमको मीडियम से भी कम तेज रखना है गैस को। अब इसको धीरे धीरे हम लाल होने तक भूनेंगे। इसे भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो गांठे हैं इसको हम अगर ऐसे धीरे धीरे कसे करेंगे तो ये अच्छी तरह से गांठे इसकी निकल जाएगी। वैसे तो बेसन के लड्डू बनाने में घी बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन आज मैं ये जो लड्डू बनाने जा रही हूँ एकदम बहुत जरा सा घी लगेगी इसमें। ये देखिए बेसन हमारा थोड़ा थोड़ा सा लाल हो गया है, लेकिन अभी इसको हम 5 मिनट और भूनेंगे। ये देखिए बेसन हमारी अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसी में हम ये कोकोनट डाल देंगे। इसको पूरा नहीं डालेंगे, हम थोड़ा सा इसको बचा के रखेंगे क्योंकि हम लड्डू को इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। अब इसको हम मिल्क पाउडर भी डाल देंगे और ये इलायची पाउडर भी डाल देंगे और ये जो हमने पूरा शक्कर लिया है इसको भी इसमें हम डाल के 2 मिनट के लिए चलाएंगे। खूब अच्छे से इसको हमें मिलाना है। ये खूब अच्छी तरह से मिल गया। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए बेसन हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसी में हम ये मिल्क मेड जो रखा हुआ था इसमें हम इसको अच्छे से मिला देंगे।
इसको अच्छे से मिलाना है ताकि ये अच्छे से बंध जाए। अगर आपको कम लगे तो आप मिल्क मेड इसमें और डाल सकती हैं। इस तरह से हम इसको अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए इतनी अच्छी तरह से ये मिल गया। अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है तो आप दूध मिला सकती हैं, दूध से और अच्छा बन जाएगा। तो ये देखिए, चलिए अब हम इसको बांधते हैं। ये बहुत अच्छे से बंध जाएगा, ये देखिए। ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू बनके तैयार हो गए। अब इसी तरह से हम सारे लड्डू बांध लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आपको मीठा कम खाना है तो आप इसमें जरा सा दूध का छींटा देके बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से भी बन जाएगा ये। कोई जरूरी नहीं कि सबके पास मिल्क मेड हो, मिल्क मेड नहीं रहता सबके पास। ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बना है। ये देखिए बेसन कोकोनट के लड्डू बनके तैयार हो गया है। ये बहुत बढ़िया लड्डू बना है। अब हम ये जो हमने कोकोनट रखा हुआ था इसमें हम एक एक लड्डू डाल के हल्के हल्के हाथों से इसको, ये देखिए बेसन कोकोनट लड्डू बनके तैयार हो गया है। और ये बहुत ही थोड़े से घी में बना है, इसलिए आपके मेहमानों को तो जरूर पसंद आएगा ये। तो अब की बार होली में आप जरूर बनाइए इस लड्डू को और अपने मेहमानों को खिलाएं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जरूर करें। थैंक यू, गुड डे।